हाय एवरीवन, आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं शो मैडम सर के बिल्लू यानी कि अजय जाधव से, जो रिवील करने वाले हैं शो का अपकमिंग ट्विस्ट। वेलकम टू जय शोबिस। तो बिल्लू, हम देख रहे हैं काफी चोट लगी है आपको, क्या रीजन है, कैसे लग गई इतनी सारी चोट? ये चोट तो बहुत पहले की है, ये मीरा जी की वजह से है और ये जो है वो माँ की वजह से है। जब मेरा मेरे आईब्रो कर रही थी तो माँ ने मुझे पुकारा और मैं झटके से हिल गया तो मेरी नाक कट गई। फिर यहाँ पार्लर में आए आईब्रो ठीक कर रही, तो ठीक करते वक्त फिर से माँ की इंटरव्यू और मैंने देखा तो आधी कट गई। आज फिर आधा और ये पूरा मैच करने यहाँ आया हूँ। फिर माँ वापस आई, फिर मेरा ध्यान गया, जो पूरा था वो पूरा ही कट गया। तो ऐसे माँ की वजह से जो हमने मुगले आज़म के नाटक के लिए परफॉर्म किया था, मतलब रिहर्सल कर रहे थे कि जिल्ले इलाही, तो मैंने उनको माँ को भी कहा था माँ हिलाई, तो यही सब माँ ने हिलाया है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नया केस सॉल्व करने आए हैं, लेकिन इस केस के बारे में अगर कुछ बता दें, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तांडव चल रहा है, क्या कहोगे? था यहाँ पे केस ये है कि एक मंत्री हैं, उनके रिलेशन में एक लड़की है जो कि पार्लर में आती हैं और उसका ब्रेसलेट जो है वो जब हम ये सलून बलून करते हैं, जब ट्रीटमेंट होता है, तो उस दौरान आपके जो ज्वेलरी है वो निकाल के रखते हैं और वहाँ से वो चोरी हो गई है और उसको पता नहीं है। तो मीरा वो देख लेती है, अपडेट जो मीरा है प्रोजेक्ट करके देख लेती है कि चोरी तो हो गया है, तो किसने क्या किया है, तो आधा अधूरा उसको दिखता है। तो उसे उसी बलबूते पर यहाँ पे सब तफ्तीश चल रही है, तो वही ये सीन है। मतलब देखिए कि ब्यूटी पार्लर से जिस वुमेन्स के से आप लोग बातचीत करें वही भाग रही है, वाली ये केस सॉल्व करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, किस तरीके से आप लोग इस केस को सॉल्व करने वाले हैं? अभी किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं ये तो हमारे क्रिएटिव ही बताएंगे, और कितने एपिसोड में सॉल्व करने वाले हैं ये भी हमारे क्रिएटिव ही बताएंगे, और इस कहानी में ये सॉल्व करने में जो ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है कितने आने वाले हैं, कितना यू टर्न है कि राइट टर्न है लेफ्ट टर्न है, ये भी हमारे क्रिएटिव ही बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ज्यादा चाहते लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यार देते हैं आपके आपके रोल को, इस शो को इतना प्यार देते हैं? हाँ, देखो रोल तो कैरेक्टर तो बाद में आते हैं, लेकिन पहला शो आता है और मैडम सर शो बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है और अच्छे तरीके से अभी तक तो चल रहा है। प्रिया जी या हेमंत सर, इन्होंने बहुत प्यार से बनाया हुआ है और हम इसमें आ गए और लोगों को पसंद आया, ये हमारी खुशकिस्मती है। और जिस तरह से जो फैंस हमें प्यार दे रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, आसमान है हमारे लिए फैंस, वो फैंस आसमान की तरह प्यार कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।